नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दिन की शुरुआत एक अच्छे काम से हो, इसलिए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव जरूर लिखें, क्योंकि आपका सारा जीवन ही शनिदेव की कृपा पर चलता आया है और आगे भी चलता रहेगा। तो कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव लिखना ना भूलें। साथ में इस वीडियो पर एक लाइक कर दें, क्योंकि जब आप वीडियो लाइक करते हैं तब इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आगे भी ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 27 और 28 अक्टूबर के तुला राशि फल के बारे में। तुला राशि वालों के लिए 27 और 28 अक्टूबर के ये दो दिन कैसे रहेंगे, किन चीज़ों में आपको सावधानियां बरतनी चाहिए और किन चीज़ों में आपको शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, नौकरी, करियर, व्यापार, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, आपके रिश्ते कैसे रहेंगे, आपका स्वास्थ्य, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं यहां आपको विस्तार से जानकारी देने वाला हूं। मित्रों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और आपकी भी राशि तुला है तो नीचे लाल बटन दबाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि आपको तुला राशि की वीडियो की नोटिफिकेशन प्रतिदिन समय से मिल सके। अगर अभी तक आपने इस वीडियो पर एक लाइक नहीं करा है तो वीडियो पर एक लाइक कर दें ताकि आपका प्रेम हमारे साथ इसी तरह बना रहे। देखिए, हमारा राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, इसी के आधार पर हम आगे जानेंगे 27 और 28 अक्टूबर के ये जो दो दिन हैं आपके लिए क्या कुछ लेकर आए हैं, आपके जीवन में क्या बड़ी घटनाएं इन दो दिनों में होने वाली हैं, क्या क्या शुभ समाचार मिलेंगे, सभी कुछ जानेंगे विस्तार से। नौकरी, करियर, व्यापार, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं यहां आपको विस्तार से जानकारी देने वाला हूं। आइए सबसे पहले जान लेते हैं ग्रह नक्षत्रों के बारे में। 27 अक्टूबर की पहले बात करते हैं। मित्रों, 27 अक्टूबर को शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि रहेगी, शतभिषा नक्षत्र है, ध्रुव नाम का योग रहेगा, मंगलवार का ये दिन है, चंद्रमा कुंभ राशि से मीन राशि में रहेंगे, मीन राशि में गोचर करेंगे और जबकि सूर्य तुला राशि में विराजमान रहेंगे। बात करें अगर 28 अक्टूबर की तो 28 अक्टूबर को शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है, पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र रहेगा, व्याघात नाम का योग है, बुधवार का ये दिन है, चंद्रमा मीन राशि में ही रहेंगे जबकि सूर्य भी तुला राशि में ही विराजमान रहेंगे। तो ये था इन दो दिनों का ग्रह नक्षत्रों का हाल, इसी के आधार पर हम आगे जानेंगे ये दो दिन आपके लिए क्या कुछ लेकर आए हैं। वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो के अंत में मैं आपको एक बहुत सरल उपाय बताऊंगा जिसको करने से आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी, नौकरी, करियर, व्यापार, आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी, प्रेम जीवन हो, पारिवारिक जीवन हो, घर परिवार में सुख शांति का माहौल बना रहेगा। चलिए बात करते हैं इन दो दिनों में क्या बड़ी खुशखबरियाँ आपको मिलने वाली हैं, किन चीज़ों में आपको सावधानियाँ रखनी हैं। चलिए जानते हैं मित्रों, यहाँ जो चंद्रमा की स्थिति होगी वो आपकी बहुत अच्छी रहेगी। यहाँ आपके दाम्पत्य जीवन के भाव में, साझेदारी के भाव में, व्यापार के भाव में काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, चंद्रमा यहाँ आपके जीवन में कई तरह के सकारात्मक बदलाव लेकर आए हैं। अगर घर में किसी व्यक्ति से आपका कोई विवाद चल रहा था तो वो दूर होगा, माता पिता के साथ अच्छा समय आप व्यतीत कर पाएंगे। इन दो दिनों में माता पिता का स्वास्थ्य भी आपके अच्छा रहेगा, साथ ही सामाजिक स्तर पर भी आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे, कुछ नए लोगों से भी जान पहचान आपकी होगी और दाम्पत्य जीवन भी आपका इन दो दिनों में काफ़ी अच्छा रहेगा। आपको इस दौरान बस अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि उनको स्वास्थ्य संबंधित कुछ परेशानियां हो सकती हैं, इसलिए उनकी सेहत का आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा समय आपको बिताना है। साथ ही इस राशि के जो जातक पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है, ये समय उनको व्यापार में फ़ायदा दिलाने वाला साबित होगा। अगर आप नौकरी पेशा वाले लोग हैं, नौकरी करते हैं, तो इन दो दिनों में कुछ विचार आपके लिए आपके मन में आ सकते हैं, कुछ नए काम आप इस समय कर सकते हैं। और इस राशि के जो जातक सिंगल हैं यानी जो अविवाहित हैं उनके लिए भी बड़े अच्छे योग यहां पर बने हुए हैं, विवाह के प्रस्ताव इन दो दिनों में आपके लिए आ सकते हैं। इसके अलावा देखिए, इस दौरान आपके खर्चे में भी थोड़ा सा इजाफा हो सकता है, सुख सुविधाओं से संबंधित जो चीज़ें होती हैं उनको खरीदारी इस समय आप कर सकते हैं, खरीदारी करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि खरीदारी के लिए ये समय बहुत अच्छा बना हुआ है। देखिए, जो भी आपके लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, सामान हैं, उन्हीं की आप खरीदारी करें, फिजूल खर्ची इस समय आप ना करें, फालतू चीज़ों पर आप खर्चा ना करें। ये समय ऐसा होगा आपके जीवन में जो भी समस्याएँ थीं, परेशानियाँ थीं, वो अब समाप्त होंगी, यानी ऐसी परेशानियाँ
जो आपकी पैतृक संपत्ति से संबंधित थी, ये सभी यहाँ पर हल होती हुई दिखाई देंगी। तो मित्रों, ये समय तुला राशि के लोगों के लिए बहुत शुभ रहेगा और ख़ास तौर से विद्यार्थियों के लिए भी बहुत अच्छा ये समय रहेगा, क्योंकि विद्यार्थियों की जो कैच करने की पावर होगी वो बहुत अच्छी होगी। आप सभी चीज़ों को बड़ी आसानी से समझ पाएंगे, सीख पाएंगे, और अगर आप राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं तो भी यहाँ आपको बड़ा शुभ प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिलेगा। सभी लोग आपकी बातों को सुनेंगे, आपकी बातों में मगन रहेंगे। आपके जीवन में अगर किसी भी तरह की रुकावटें आ रही थी, किसी काम को लेकर, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर, तो मित्रों जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो इन दो दिनों में आपकी वो सभी रुकावटें दूर होंगी और आप आगे बढ़ेंगे। पारिवारिक जीवन आपका काफ़ी अच्छा रहेगा। देखिए, इस समय आपको एक खास सावधानी बरतनी है अपने शत्रुओं से। इस समय आपको सावधान रहना है, संभल कर चलना है। आपके ऑफिस में आपके जो शत्रु हैं, विरोधी हैं, वो इस समय आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं, आपका कुछ बुरा कर सकते हैं, तो इस समय आप अपने शत्रुओं से सावधान रहें। इसके अलावा देखिए, जो इस राशि के शादीशुदा लोग हैं उनको अपने ससुराल पक्ष से इस समय कोई मदद मिल सकती है। इसके साथ ही आपकी कोई बुआ मौसी यानी उनकी तरफ से कोई ज़रूरी मदद भी आपको मिल सकती है, किसी काम को लेकर, व्यापार को लेकर। तो कुल मिलाकर काफ़ी शानदार ये दो दिन आपके लिए बने हुए हैं। अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, कोई नई तकनीक आजमाना चाहते हैं, तो समय बहुत ही अनुकूल है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत है और अपने समय का फ़ायदा उठाना है। निश्चित रूप से आप जो चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, वो आपको ज़रूर हासिल होगा। इसके अलावा देखिए, आपको देखिए अपने कार्य क्षेत्र में कुल मिले जुले परिणाम देखने को मिल सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में आपको सावधानियां भी रखनी है। यदि आप कला के क्षेत्र से जुड़े हैं तो इस समय आपको अपनी कला को आगे दिखाने का, आगे रखने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। यानी कला के क्षेत्र में बहुत अच्छे प्रदर्शन आपको देखने को मिलेंगे, काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और देखिए, ये कला आपके धनार्जन का जरिया भी बन सकती है, धन अर्जित करने का जरिया भी बन सकती है, पैसे कमाने का जरिया। तो मित्रों, अपनी क्रिएटिविटी को आप धन कमाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। धन आगे आपको धन के मार्ग खुल सकती हैं, तो बहुत ही अच्छा है समय आपके लिए बना हुआ है। लेकिन चंद्रमा यहाँ आपके निजी जीवन में कुछ परेशानियाँ, समस्याएँ पैदा कर सकते हैं। तो मित्रों, एक तो आपको अपने प्रेम जीवन में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अपने स्वभाव पर, गुस्से पर थोड़ा सा काबू रखें, चंद्रमा का बुरा प्रभाव आपके ऊपर ना पड़े, इसलिए सफ़ेद वस्तुओं का इस समय दान करें। दूध, दही, आटा, चीनी या कोई सफ़ेद वस्त्र किसी गरीब व्यक्ति को दान करें। मित्रों, इसके अलावा सुबह स्नान करने के बाद 108 मरतबा ओम नमः शिवाय का जाप करें। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो पर एक लाइक कर दें। कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव लिखना ना भूलें। अपना ख्याल रखें। जल्द ही मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।